हेलो गाइस, आप देख सकते हैं हमारे हाथों में है राजमा। आज मैं बनाने जा रही हूँ राजमा और खाऊंगी चटपटा चावल या रोटी के साथ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले पानी। ये देखिए, हम डाल देंगे राजमा। पानी ज्यादा नहीं डालेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, इसमें हमने पानी डाल दिया है और इसमें राजमा डाल दिया है और कुछ नहीं डालेंगे। और इसमें हम डाल देंगे नमक, ठीक है? आवश्यकता अनुसार अपना नमक डाल दीजिए। और दोस्तों जब ये खचकने लगेगा तो हम इसे पूरी तरह से बंद कर देंगे, और बंद करके कम से कम हम 3 सीटी में लगेगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, हम ढक्कन फिर से बंद कर रहे हैं, और बंद करने के बाद कम से कम 3 सीटी लगाएंगे। तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। देखिए, इसमें प्याज, ये भूंजने के लिए महीन महीन कटा हुआ है, और ये टमाटर है, ये प्याज है, ये लहसुन है, ये मिर्च है, ये अदरक है। मसाला भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों एक्चुअली मेरा किचन काफी छोटा है, तो स्टैंड रखने में काफी प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं कभी दिख रही हूँ कभी नहीं दिख रही हूँ। कुकर के अंदर दिख नहीं पाता है, इसे मुझे कभी कैमरा को काफी नीचे करना पड़ रहा है, इसे कारण मैं आप लोगों को दिख नहीं पा रही हूँ। तो प्लीज मैनेज कीजिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, हम राजमा के मसाले की तैयारी कर रहे हैं। हमें लेते हैं जीरा, काली मिर्च। काली मिर्च पता है कितना बढ़िया है, इसी वजह से हमारे यहाँ पुर्तगाल। पुर्तगाली इंडिया में आए थे मसालों के कारण। ये है आपका रेड मिर्च पिसा हुआ, जो काफी तीखी होती है, आहा चटपटा सा। और ये है कश्मीरी मिर्च, ये है धनिया। आप देख सकते हैं, हम इसमें डालने वाले हैं प्याज पीसने के लिए। पीसेंगे हम इसको, ये देखिए प्याज डाल दिया। लहसुन मिर्च अदरक बहुत ज्यादा, प्याज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्याज मैं रखी हूँ, महीन कटा हुआ है, इसमें भूंजूंगी, आप लोग देखिएगा प्लीज। तो तब मैं इस मसाले को तैयार कर देती हूँ दोस्तों। तो हम इसमें मेन गरम मसाला, ये गरम मसाला है, बेस्ट है इसमें गरम मसाला, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे सारे मसाले कंप्लीट हो चुके हैं, अब मैं इसको पीस लूंगी। दोस्तों बहुत ज्यादा किचन छोटा है, बहुत प्रॉब्लम होता है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। दोस्तों हमारा मसाला पीसा करके रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। और मेरा राजमा भी कंप्लीट हो चुका है, मैं इसको ऑफ कर दूंगी, और कुछ ठंडा होने के बाद इसके। दोस्तों मेरा ये कुकर ठंडा हो चुका है, अब मैं इसको खोलूंगी और आपको दिखाऊंगी। अब मैं आपको नजर आऊंगी, मेरा कुकर नजर आएगा। ओके, देख सकते हैं दोस्तों हो चुका है। अब मैं इसको पानी से अलग कर दूंगी, ठीक है दोस्तों, इसको छान दूंगी। दोस्तों हम इस पानी को फेंकेंगे नहीं, ठीक है, हम इसको रखेंगे, ये देखिए, ठीक है। और कुकर को हम फिर से गैस ऑन करेंगे, देखिए मसाला भूनने के लिए हम रेडी करेंगे कुकर को। दोस्तों हम इसमें देखिए तेल डाल रहे हैं,
गर्म हो चुका है, हम इसमें डाल देंगे तेज पत्ता, हम इसमें डाल देंगे रेड मिर्च। ये देखिए गरम मसाला मेरा पिसा हुआ है, वैसे डालूंगी मैं, और डाल दूंगी प्याज। मेरा प्याज भुजा रहा है, तो मैं आपसे कुछ बातें कर लेती हूँ। एक्चुअली किचन मेरा काफ़ी छोटा है, काफ़ी प्रॉब्लम होता है दोस्तों, फिर मैं मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं सूखा मसाला नहीं रखती हूँ, मुझे मिक्स में पीस करके ही बनाना ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं सारे मसाले को मैं पीस रखती हूँ इकट्ठा। मिर्च वगैरह, कश्मीरी मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, सारे मसाले में पीस रखती हूँ पहले से ही। और जैसे ही मसाला ब्राउन हो जाएगा हम उसमें मसाले को डाल देंगे। अब मसाला भी भूंजेंगे, तो फिर हम 6 से 7 मिनट तक मसाले को भूंजेंगे और पूरा पक जाना चाहिए। जब मसाला पक जाता है ना तो बर्तन जो होता है अपने आप छोड़ने लगता है और काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। ये देखिए मेरा हो ही चुका है प्याज दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो है ना प्याज पूरी तरह से ब्राउन हो चुका है। और मैं इसमें डालूंगी मसाला, इसमें मसाले, देखिए मसाले भी पकेंगे। आप लोग भी कहेंगे कि भाई राजमा इतना है, मसाला इतना ज़्यादा है, तो एक्चुअली हम लोग चावल नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा लहसुन का ज़्यादा चाहिए है ना, और गाढ़ा भी रहता है ये, तो इसीलिए मसाला की मात्रा ज़्यादा है। और मसाला इसमें नहीं है, इसमें प्याज या टमाटर, लहसुन, अदरक, ये चीज़ ज़्यादा है, और मसाला तो जैसे रहती है वैसे ही है। ये देखिए दोस्तों ये हल्दी है मेरा, हल्दी आप आवश्यकता अनुसार दीजिए। मसाले को ढक ढक काफ़ी देर तक भूनेंगे। नमक मैंने पहले ही पानी में डाल रखा था, इसे मैं नमक नहीं डालूंगी, ठीक है। इसे पकाने के बाद, चलाने के बाद इसको ढक दूंगी और कम से कम ये 6 से 7 मिनट तक अच्छे से पकेगा। दोस्तों आप देख रहे हैं मसाला पक रहा है, तो इसमें हम राजमा डाल देंगे। देखिए जो राजमा है साथ में भी जाएगा, पकेगा, जो भी अपने भाषा में आप बोल दिए, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है ना, बस समझने का फर्क है। इसके साथ जो भी थोड़ा पकेगा, ये देखिए आप लोग कह रहे हैं नमक नहीं डाले हैं, नमक भी डालेंगे हम, आप लोग देखिएगा। इसको थोड़ा ढक दूंगी, आप लोग देख सकते हैं कि मेरा ये मसाला पूरी तरह से पक चुका है। ये देखिए, देखने में अभी से ही कितना प्यारा लग रहा है ना, देखिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बार बार कह रही नमक डालूंगी, ये जो पानी है ना राजमा का, जिसे जिसमें हम उबाले थे वही पानी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए इसमें नमक भी था, ये देखिए। और दोस्तों राजमा ज्यादा पतला नहीं बनाएंगे, और हमें लगता है नमक छूट जाएगा है ना दोस्तों। एक्चुअली मेरे पास अभी धनिया नहीं है, तो मैं धनिया नहीं डाल पाऊंगी, क्योंकि मार्केट हमारे यहाँ से थोड़ा दूर है, तो धनिया नहीं ला पाई। प्लीज आप लोग देख लीजिएगा है ना, ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा दिख रहा है, देख रहे पूरी तरह से लटपट है, बिल्कुल भी हो जाएगा जब कुकर सीटी मारेगा ना, देखिएगा। आप अभी इसमें 3 से 4 सीटी लगवाइए और उसके बाद देखिए दोस्तों, अभी से ही इतना देखने में टेस्टी लग रहा है, खाने का कैसा होगा देखिएगा दोस्तों। देखिए मेरा इतना चकना शुरू हो गया, मैं इसको पूरी तरह से बंद कर दूंगी।
ये 4 से 5 सीटी होगा, कंप्लीट हो जाएगा सर। दोस्तों देख सकते हैं कई सीटी हो चुका है, मैं इस गैस को ऑफ करती हूँ। अब इसको मैं कुछ ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। इसी में ठंडा होने के बाद कुछ देर बाद मैं इस ढक्के ढक्कन को खोलूंगी, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कितना ही टेस्टी और लाजवाब बना हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं ये हो चुका है कंप्लीट। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा, देखिए देख रहे हैं ना कितना प्यारा कलर दिख रहा है। अभी दिखाती हूँ आप लोग को। दोस्तों मैं इसको चला रही हूँ, देख ना दोस्तों ये बिल्कुल लटपट हो चुका है। लटपट मतलब पानी अलग नहीं है, राजमा अलग नहीं है। ये देखिए पूरा एक दूसरे के साफ है। ये देखिए गाढ़ा भी है, पतला नहीं है। दोस्तों खूब गर्म है, दोस्तों एक भी पक चुका है, ये पक चुका है दोस्तों। तो गाइस आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा। आप देख सकते हैं क्या हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप इसको चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही गाढ़ा बना हुआ है, बहुत ही रसेदार टेस्टी देखने में लग रहा है। और दोस्तों आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि मेरा बनाने का तरीका कैसा लगा आप लोग को। और प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।